दें। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में महंगाई किस चरम पे है, आप गांव में जाइए वहां रोड नहीं है, बिजली नहीं है, आज 10,000 से ज्यादा गांव में बिजली गुल है, और उसके लिए हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उस पर कोई बयान नहीं देते हैं, तो जनता जान चुकी है कि वो कितनी परेशान है। और आप देखिए किस प्रकार से पानी की सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर। एक समय पे जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और आज 17 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। और रही बात सिंधिया जी की जो बात कर रहे थे अभी साहब, तो मैं उस पर जवाब दे देता हूँ कि कांग्रेस ने सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस ने जो टीम तैयार की है ग्राउंड लेवल पे, वो एक्चुअल कांग्रेस विचारधारा के जो कार्यकर्ता है, जो योद्धा है, वो एकदम कंधे से कंधा मिला के माननीय कमलनाथ जी के लिए तैयार खड़े हैं। और ये जो रण है, ये रण हमारा जो विजय प्राप्ति का जो हमारा उद्देश्य है, वो एकमात्र है कि जो माननीय कमलनाथ जी के संग लोकतंत्र की हत्या करके उनको कुर्सी से उतारा गया था, उसका पुनः एक बार बदला लेके, और ये निकाय चुनाव में सबसे पहला हमको माननीय कमलनाथ जी को वो सम्मान पहुंचाना है। ये हमारे सारे एक एक कार्यकर्ता ने दृढ़ निश्चय से इसकी है ना कसम उठाई है, बीड़ा उठाया है। तो ये बात स्पष्ट है कि आज की डेट में आप देखिए जब जब ठीक है जब जब सिंधिया परिवार का हस्तक्षेप रहा है, आप देखिए कहीं ना कहीं एक परिवार भाजपा में रहता था नहीं घर से, एक कांग्रेस में रहता था, उस कारण से हमें आज 40-50 साल तक हमें कोई भी महापौर नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा कारण है सिंधिया परिवार। आप देखिए आज किस प्रकार से सिंधिया जी ने दिल्ली के अंदर पूरे भाजपा के जो ग्वालियर चंबल संभाग के जितने लोग हैं उनको अपने बंगले पे मीटिंग के लिए बुलाया है, और ये पुनः फिर वही रीति और नीति चालू हो गई है जो पहले कांग्रेस में थी। कांग्रेस में अगर आप जाएंगे सिंधिया के चरणों में जाके आप नमन करेंगे और सिंधिया के महल में जाके 5 घंटे खड़े रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, तो आपको टिकट मिलेगी। और ये भाई आज निरंतर वही पद्धति और वो चालू हो गई है फिर से पुनः भाजपा में। आज भाजपा के कद्दावर बड़े बड़े नेता घर बैठ गए, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीडी भाजपा और नरोत्तम मिश्रा भाजपा, 5-5 भाजपा एक भाजपा के अंदर चल रही है। अभी निकाय चुनाव में आप देखिए किस प्रकार से रस्ता कसी होगी, किस प्रकार से जूतम फेंका होगी, इनके कैसे कपड़े फटेंगे टिकटों के लिए, जब सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया जाएगा और जो दरी बिछाते थे संघ के लोग, जो भाजपा के लोग, वो घर बैठ जाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सत्यन जी देखिए काफी बड़ी बात कही है राजावत जी ने, उनका ये कहना है कि हमने तो 9 तारीख को मीटिंग हमारी थी कि हमारे चेहरे जो है फाइनल हो जाएंगे, लेकिन रस्ता कशी बीजेपी में मचने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर केशव जी, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, जो मुझे कहना पड़ता है तो उन्होंने एक समदर्शी भाव से बात कही, कोई वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो समाज के अंदर देखा है, बहुत सारे राजनीतिक दलों का वो अध्ययन करते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही, जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और डिसिप्लिन अगर किसी संस्था को किसी दल को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकते हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी पूरे अनुशासन के साथ चल रही है, और आप देखिए कि हमारी उससे सीखते हैं अनुशासन। और जिस प्रकार से माननीय सिंधिया जी के बारे में कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है, तो आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो मैं अभी आज फिर से कहूंगा कि वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आए और उनका और जब कांग्रेस ने उनको ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने आप को जनता का सेवक बताते रहे, उन्होंने कहा कि उन्हें जेदे बिजलियां गिराने की और हमें जेदे वहीं, हमें भी जेदे वहीं आंचियां बनाने की, और उसूलों पर अगर आ चाहे, उसूलों पर अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर जिंदा नजर आना तब, लेकिन कांग्रेस सोती रही, कांग्रेस के आंखों के नीचे से काजल चुराना, वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुरा रहे हैं नेता लोग, तो कांग्रेस अंतरावलोकन नहीं करती। और आप वही सिंधिया जी के मैसेंजर ऑफ गॉड बने मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और आप देखिए जिस प्रकार से ग्वालियर में और सब जगह माननीय सिंधिया जी जाते हैं, अपने जो सिविल एविएशन का काम कर रहे हैं वो तो एकदम अद्वितीय दिव्य धारण प्रस्तुत कर रहे हैं देश भर में। उसके साथ साथ आप देखिए सफाई कर्मी हैं जो हमारी माताएं हैं, उनका जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर उन्होंने उनको सम्मान किया, उनको साथ में बिठाला, उनके साथ दीप प्रज्वलन कराया, तो ऐसा हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की और जो देश की जनता है, जो सेवक हैं, कर्म करते हैं देश के उन्नयन में, सबकी आरती उतारने वाली पार्टी है, तो सिंधिया जी हमारी पार्टी में रच गए हैं और ऐसी कहीं कोई बात नहीं आएगी। एक अच्छा सशक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में भी देगी और सारे मध्य प्रदेश के अंदर सारे 16 निगम में देगी, 16 नगर निगम में और सारे नगरीय निकायों में और ग्रामीण
निकायों की बात, तो ग्रामीण निकाय में भी